नमस्कार दोस्तों दोस्तों तो हम हिंदी साहित्य की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम रीतिकाल की बात कर रहे थे, और पीछे रीतिकाल के दो कवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था पहले कवि आचार्य केशवदास, दूसरे कवि के बारे में हमने पढ़ा था कवि बिहारी के बारे में, और आज मैं रीतिकाल के तीसरे कवि के बारे में बात कर रहा हूँ। नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आज के लिए जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है कवि भूषण। रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि वीर रस के कवि कवि भूषण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपने कवि भूषण से पीछे वाली जो आपने वीडियो देखी है वो कवि बिहारी के बारे में थी। कवि बिहारी की डिटेल वहाँ मैंने आपको पढ़ाई थी। इस आज के टॉपिक को मैं शुरू करूँ, कवि भूषण को मैं पढ़ाना शुरू करूँ, उससे पहले कवि बिहारी जो आपने पीछे पढ़ा है उससे संबंधित कुछ दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे हम कवि भूषण की। तो चलिए, बिहारी जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप पहले वो देख लीजिए ताकि आप इन प्रश्नों के आंसर दे सकें, फिर हम बात करेंगे कवि भूषण को लेकर। देखिए, बिहारी से संबंधित प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न कि बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुँच गया है, यह कथन किसका है? बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एंड लास्ट ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। चार ऑप्शन है आपके सामने, शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, जो सीधे सीधे प्रश्न हैं उन प्रश्नों की मैं चर्चा नहीं कर रहा कि बिहारी ने कौन सी रचना है, कि बिहारी सच्चाई में कितने दोहे हैं, वो तो आप सब पढ़ चुके हैं। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, दो या तीन प्रश्नों की बात करूंगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर होगा, बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुँच गया है, यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, दूसरा प्रश्न देखें बिहारी के बारे में। एक पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये दोहा है बिहारी जी का, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो दोहा है बिहारी जी का, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा ऑप्शन अन्योक्ति अलंकार, तीसरा ऑप्शन संधेय अलंकार और चौथा ऑप्शन दृष्टांत अलंकार। आपको बताना है कि इस दोहे में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, अर्थ भी आपको पता होगा कि बिहारी जी ने ये दोहा लिखकर मिर्जा राजा जयसिंह के पास पहुंचाया था। इस दोहे का अर्थ जो आता है कि ये जो कली है ये अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, ना ही इसमें परागकण, ना ही इसमें अभी तक मधुर मधु का विकास हुआ है, यानी इसका अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। जब ये भंवरा अभी से इस कली से इस प्रकार से बंधा हुआ है तो आगे कौन हवाल, यानी जब इससे कली का पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा, जब ये कली फूल में बदलेगी तो फिर आगे क्या हाल होगा, ये इस दोहे का अर्थ आता है। और वास्तविकता ये थी जो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ बिहारी जी के वीडियो में, कि जब बिहारी जी जयपुर पहुंचते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के पास, तो मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नव विवाहित रानी के साथ महल में व्यस्त रहते थे, वो महल से बाहर नहीं निकलते थे। तो उनको एक तरीके से समझाने के लिए बिहारी जी ने ये दोहा लिखा था। तो यहाँ पर देखिए, एक किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से, किसी अन्य कथन के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई बात समझाई जा रही है। यहाँ पर कली को आधार मानकर, कली के माध्यम से मिर्जा राजा जयसिंह को समझाया जा रहा है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर किसी एक उक्ति के माध्यम से, यानी सीधे कोई बात नहीं कहकर किसी अन्य उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाती है, वहां पर अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार। इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार। चलिए, तीसरे प्रश्न की मैं चर्चा कर लूँ कि बिहारी किसके दरबारी कवि थे। बहुत सीधा सा प्रश्न है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राजा मानसिंह, शाहजहां, राजा जयसिंह या फिर राजा उदय सिंह। चार ऑप्शन है, मानसिंह, शाहजहां, जयसिंह, उदय सिंह। अभी पिछले प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूँ कि बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रम में रहते थे। इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ये हमने बिहारी से संबंधित, जो आपने लास्ट वीडियो बिहारी का पढ़ा था उससे संबंधित प्रश्नों की बात की।
अब मैं आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आज का टॉपिक आपका कवि भूषण। आज आप कवि भूषण को पढ़ेंगे, कल हम जब अगले कवि को पढ़ेंगे, कल का जो आपका टॉपिक रहेगा देव कवि के बारे में, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कवि भूषण के इसी प्रकार एक दो प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कवि भूषण के बारे में पढ़ना शुरू करें। उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं आपको पूरा हिंदी साहित्य शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में कंप्लीट क्लास आपको हिंदी लिटरेचर की मिलेंगी। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए बात करें हम कवि भूषण की। देखिए कवि भूषण का जन्म काल यानी जन्म हुआ 1613 ईस्वी में। विक्रमी संवत की बात करें तो 1670 विक्रमी संवत आपका आंसर होगा। इनका जो निधन काल माना जाता है वो 1715 ईस्वी यानी 1772 विक्रमी संवत। इनका जन्म स्थान तिकमापुर, जो कि कानपुर में पड़ता है, कानपुर के तिकमापुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, यानी कवि भूषण रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। ये तो हमने सीधे से इनके जन्म वगैरह की बात की है। चलिए अगले डिटेल की बात करें तो देखिए आप कुछ एक कवियों के नाम पढ़ते हैं, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी है, मतीराम है, जटाशंकर त्रिपाठी है। तो आपको बता दूं कि चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी ये चारों ही रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र माने जाते हैं, यानी ये चारों सहोदर भ्राता थे। सहोदर यानी सगे भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी ये सगे भाई माने जाते हैं। अगली बात, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। भूषण जो है वो इनका नाम नहीं है, ये इनकी उपाधि है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। इनका जो मूल नाम है उसमें अभी संशय है, अलग अलग विद्वानों ने इनका मूल नाम अलग अलग माना है। जैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इनका मूल नाम पतिराम या मनीराम मानते हैं, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम घनश्याम था। आचार्य मिश्र के अनुसार इनका जो मूल नाम माना जाता है वो घनश्याम माना जाता है। अगर भूषण शब्द की हम बात करें, देखिए भूषण इनकी उपाधि है, ये उपाधि जो कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, और आगे चलकर इनकी उपाधि ही इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इनके मूल नाम में अभी संशय बना हुआ है कि इनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम अलग अलग माना जा रहा है, मूल नाम अभी इनका एक शंका का विषय है। तो गुप्त जी इनका मूल नाम मानते हैं पतिराम या मनीराम, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इनका मूल नाम मानते हैं घनश्याम। अगली बात हम कहें शुक्ल जी के बारे में। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगली बात देखें, भूषण इनकी उपाधि मानी जाती है, यह उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा प्रदान की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि भूषण इनकी उपाधि है, जो कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको ये उपाधि दी थी, और आगे चलकर ये इसी उपाधि के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनको जाना जाने लगा, वो भूषण के नाम से ही जाना जाने लगा। ये छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र शाहू जी व छत्रसाल बुंदेला आदि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, परंतु इनके मनमाफी का आश्रयदाता शिवाजी ही थे। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रहे, छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहू जी और छत्रसाल बुंदेला आदि अनेक राजाओं के आश्रय में ये रहे हैं। आश्रयदाता की अगर हम बात करें तो आश्रयदाता इनके अनेक रहे, परंतु इनके जो मनमाफी का आश्रयदाता रहे वो शिवाजी रहे। अगली बात हम करें, कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल ने, जो बुंदेलखंड के जो शासक थे, जो राजा थे महाराज छत्रसाल, महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कथन कहा था कि सिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके जो मन मुताबिक राजा मिले, आश्रयदाता मिले, वो शिवाजी मिले। ये शिवाजी की प्रशंसा तो इन्होंने की है अपनी रचनाओं में, लेकिन जब महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया तब इन्होंने कहा कि मैं शिवाजी का बखान करूं, सिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को, कि मैं शिवाजी का बखान करूं क्योंकि शिवाजी मेरे मन मुताबिक राजा है, या फिर छत्रसाल का बखान करूं जिन्होंने मेरी पालकी में अपना कंधा लगाया। ये याद रखें इनका फेमस एक पद है, प्रसिद्ध पद है कि सिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को। अगली बात देखें, हिंदी साहित्य जगत में इन्हें रेती काल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। देखिए रेती काल में वीर रस की रचनाएं करने वाले कवि हैं कवि भूषण, तो इन्हें हम कहते हैं रेती काल का राष्ट्र कवि।
डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि मानना है क्योंकि इन्होंने रीतिकाल के श्रृंगार एवं प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस में काव्य रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि मानते हैं क्योंकि रीतिकाल की जो परंपरा थी उस रीतिकाल की परंपरा से हटकर रीतिकाल में किसी कवि ने वीर रस की रचना नहीं की जबकि भूषण ने वीर रस की रचना की है। यानी वीर रस की रचना करना रीतिकाल की परंपरा नहीं थी फिर भी इन्होंने रीतिकाल की परंपरा से हटकर रीतिकाल की जो परंपरा रही है वो श्रृंगार की रचनाएं प्रेम की रचनाएं लक्षण ग्रंथ इन परंपराओं से हटकर भूषण ने वीर रस की रचनाएं की हैं इसलिए डॉक्टर नगेंद्र इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि मानते हैं। ये हमने दोस्तों बात की है भूषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब मैं बात कर रहा हूँ कवि भूषण की प्रमुख रचनाओं की। तो देखिए कवि भूषण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी। इनकी सबसे प्रमुख रचना की हम बात करें इनकी सबसे प्रमुख रचना शिवराज भूषण जो इन्होंने शिवाजी के आश्रय में लिखी थी। देखिए डिटेल की हम बात करें शिवराज भूषण क्या है। यह इनका अलंकार लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण। ध्यान रखना नाम से ऐसा लगता है कि वीर रस की रचना है। आपको नाम से ऐसा लगेगा कि शिवाजी के सूर्य से संबंधित रचना है उसके शिवाजी की वीर गाथा से संबंधित रचना है लेकिन नहीं ये इनका अलंकार लक्षण ग्रंथ है। इसमें इन्होंने अलंकार के लक्षणों का अलंकार के उदाहरणों का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिए हम बात करें इसमें कुल 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। ये अलंकार संबंधित ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है जिनमें से 99 अर्थ अलंकार 4 शब्द अलंकार 1 चित्र अलंकार और 1 संकर अलंकार है। टोटल 105 अलंकार है जिनमें से 99 अर्थ अलंकार 4 शब्द अलंकार 1 चित्र अलंकार और 1 संकर अलंकार हैं और इनके उदाहरणों के लिए कुल 385 पद रचे गए हैं। 105 अलंकार हैं 105 अलंकारों के लक्षण बताए गए और उन 105 अलंकारों के उदाहरण देने के लिए 385 पद यहाँ पर उदाहरण के रूप में हैं। इस ग्रंथ में अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में और उदाहरण सवैया छंद में रचे गए हैं। विशेषता याद रखना कि अलंकारों के जो लक्षण लिखे गए हैं वो सारे दोहा छंद में लिखे गए हैं जबकि जो अलंकारों के उदाहरण हैं वो उदाहरण सारे सवैया छंद में रचे गए हैं। अगली हम बात करें इसके अलंकारों के लक्षण आचार्य पीयूष वर्मा जयदेव द्वारा रचित चंद्रलोक एवं मतिराम द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथों पर आधारित माने जाते हैं। यानी जो अलंकारों के लक्षण हैं उन लक्षणों पर किसका प्रभाव है किस ग्रंथ का प्रभाव है। देखिए दो ग्रंथों का प्रभाव है एक तो चंद्रालोक ग्रंथ और एक ललित ललाम ग्रंथ। इन दोनों का प्रभाव है। चंद्रालोक के जो रचनाकार हैं वो हैं जयदेव जबकि ललित ललाम के जो रचनाकार हैं वो हैं मतीराम। इन दोनों पर इनके अलंकारों के लक्षण आधारित माने जाते हैं और यह रचना शिवाजी के आश्रय में रची गई थी। मैं आपको पहले ही बता चुका शिवाजी के आश्रय में रचना रची गई तो इनकी सबसे प्रमुख रचना शिवराज भूषण। चलिए अगली रचना की बात करें। अगली रचना है शिवा बावनी। देखिए नाम से पता लग रहा है शिवा बावनी। शिवा यानी शिवाजी के आश्रय में रची गई। बावनी का मतलब यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि इसमें 52 कवित्त हैं। इसमें 52 पद हैं जो कि कवित्त में लिखे गए हैं। देखिए यह रचना भी शिवाजी के आश्रय में लिखी गई थी। यह वीर रस से उत्प्रोत राज स्तुति जातीय पुस्तक है। यह वीर रस से रचित है शिवाजी के मतलब शौर्य से संबंधित उनके शौर्य गाथा से संबंधित पुस्तक है। इसमें 52 कवित्त हैं। शिवा मतलब शिवाजी बावनी मतलब बावनी यहां से आपको याद हो जाएगा कि इसमें 52 कवित्त हैं। अगली रचनाओं की बात करें देखिए दो इनकी रचनाएं हैं एक छत्रसाल दशक जो कि राजा छत्रसाल के आश्रय में लिखी गई है उनसे संबंधित है और एक रचना इनके अलंकार प्रकाश। ज्यादा इनके डिटेल है नहीं जो आपको याद रखने की आवश्यकता पड़े केवल रचनाओं के नाम आप याद कर लेंगे छत्रसाल दशक और अलंकार प्रकाश। एक इनकी रचना है देखिए छंद हृदय प्रकाश। ये रचना में थोड़ा सा संशय है। संशय क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र इसे मुरलीधर भूषण नामक किसी अन्य कवि की रचना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे इन भूषण कवि की रचना ना मानकर बल्कि मुरलीधर भूषण नामक किसी अन्य कवि की रचना मानते हैं तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा संशय भी है। अगली इनकी तीन रचनाएं जो कि अप्राप्त रचनाएं हैं भूषण उल्लास दूषण उल्लास और भूषण हजारा इनमें भी संशय है। इनमें भी मतलब इतिहासकार ये मानते हैं कि पता नहीं ये इन भूषण कवि की रचनाएं या फिर किसी अन्य कवि की रचनाएं हैं। ये तीनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ना तो भूषण उल्लास ना दूषण उल्लास और ना ही भूषण हजारा। ये तीनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तो आप मुख्य रूप से मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके चार रचनाएं आप विशेष रूप से याद रखें। सबसे पहले आपने देखी शिवराज भूषण
दूसरे सेवा भावनी, तीसरे छत्र साल दशक और चौथे अलंकार प्रकाश, जो कि एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमने दोस्तों बात कर ली इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में। अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आपसे भूषण की काव्य कला के बारे में। इन्होंने जो काव्य लिखा उस काव्य में किस छंद का, किस रस का, किस शब्द शक्ति का, अलंकारों का क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया, इनकी काव्य कला क्या रही, उस काव्य कला की बात करूँ तो देखिए, भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में एक पद लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। देखिए, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में, हिंदुन की चोटी और रोटी राखी है सिपाही की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। ये शिवाजी की प्रशंसा में है। वजह क्या, देखिए लिखने की वजह आपको बता देता हूं कि उस समय मुगल शासक थे औरंगजेब, जो कि औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहे थे। वो एक तरीके से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। तो उस समय औरंगजेब का डटकर सामना किया था शिवाजी ने, और शिवाजी ने हिंदुओं को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि औरंगजेब से बचाया था। औरंगजेब उनका, अगर शायद शिवाजी ना होते, शायद शिवाजी ना होते तो शायद औरंगजेब हिंदुओं को मुस्लिम बना देता, लेकिन शिवाजी ने उन हिंदुओं को बचाया। इसलिए हिंदुओं से संबंधित जो भी वेद ग्रंथ हैं, जो भी पुराण हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखिए कहा गया कि वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, कि शिवाजी ने औरंगजेब से वेदों को बचाया, पुराणों को बचाया। राम नाम राख्यो अति रसना सुगर में, राम नाम को एक तरीके से बचाया, अगर हिंदू ही नहीं होते तो राम नाम की महिमा भी नहीं होती, तो राम नाम को बचाया। हिंदुन की चोटी, हिंदुओं की चोटी की लाज रखी, हिंदुओं की चोटी की लज्जा रखी। रोटी राखी है सिपाही की, और कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। हिंदुओं से संबंधित जो जो कंधे में जो जनेऊ पहना जाता है, जो गले में जो माला पहनी जाती है, यानी उन सभी की जो रक्षा की गई है, वो रक्षा शिवाजी के द्वारा की गई है। ये भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में लिखा है। चलिए अगली हम बात करें। भूषण को यमक अलंकार अति प्रिय माना जाता है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे अलंकारों का अपने काव्य में प्रयोग किया है, लेकिन यमक अलंकार इनका एक प्रिय अलंकार माना जाता है। और एक उदाहरण भी, एक पद भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यमक अलंकार के चमत्कार से युक्त एक प्रसिद्ध कवित्व मैं इनको आपको बता रहा हूँ। ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहने वाली, शायद आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। इसमें अलंकार पूछा जाता है, कौन सा अलंकार है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती सोती, तीन बेर खाती हैं, भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं, और भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाते ते वे नगन जड़ाती हैं। देखिए, जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं ना, यमक का मतलब क्या है, शब्द रिपीट होगा, रिपीट होगा, अलग अलग अर्थ देख के जाएगा, वही यमक अलंकार होता है। बाकी आप डिटेल में अलंकार के टॉपिक में पढ़ लेंगे। जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द रिपीट हुए हैं, रिपीट हुए, इनका अर्थ भी अलग अलग आ रहा है। कि ऊंचे गौर मंदिर, मंदिर का अर्थ होता है महल, ऊंचे विशाल महलों के अंदर रहने वाली, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती है। मंदिर का एक अर्थ गुफा भी आता है, मंदिर का एक अर्थ देवालय भी आता है, देव स्थान। कि जो ऊंचे विशाल महलों के अंदर रहने वाली हैं, वो वर्तमान में ऊंचे विशाल गुफाओं में या फिर पर्वतों के बीच में, या जो गुफाएं हैं या फिर जो देवालय हैं, उनमें रहने को मजबूर हैं। तीन बेर खाती सोती, तीन बेर खाती है, जो तीन बेर खाती थी, तीन बेर यानी तीन बार खाती थी, तीन बार भोजन करती थी, वे तीन बेर खाती हैं, वो वर्तमान में तीन बेर, जो एक छोटा फल आता है बेर, वो तीन बेर खा रही है। देखिए, एक बार तीन बेर का अर्थ आ गया तीन बार, थ्री टाइम्स, और एक बार आ गया इसका एक प्रकार का फल, दोनों बार अलग अलग अर्थ आ गए। इसी प्रकार विजन डुलाती, विजन का एक अर्थ होता है पंखा, कि जो पंखा डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। विजन का एक अर्थ जंगल भी होता है, जो महलों में रहकर दासियां जिनके पंखा डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं, वो नंगे पैर जंगल में डोल रही हैं, और नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। नगन का एक अर्थ होता है दोस्तों नगिनना, कि जो अपने आभूषणों में नगिनने जड़ाती थी, नगिनने लगवाती थी, वे नगन, नगन यानी नंगे शरीर जड़ाती हैं, जड़ाती हैं यानी सर्दी से ठिठुरती हैं। देखिए, हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ है। बाकी मैं आपको वापस एक बार अलंकार के टॉपिक में बता दूंगा। अगले मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि भूषण की कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। अगर शब्द शक्ति की मैं बात करूं तो लक्षणा शब्द शक्ति का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुहावरों का भी प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। तो शब्द शक्ति की अगर मैं बात करूं तो लक्षणा का प्रयोग हुआ है।
भूषण की अधिकतर कविता मनहरण कवित्त में लिखी गई। अगर छंद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छंद का जो प्रयोग हुआ है वो ज्यादातर मनहरण कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। और भूषण का संपूर्ण काव्य वीर रस से परिपूर्ण, ये तो आपको पता ही है कि वीर रस की रचना ही इनकी है। चलिए साथ में लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भूषण ने अपनी कविता में एक और तो औरंगजेब के उन अत्याचारों का वर्णन किया है जिनसे जनता त्रस्त थी, तो दूसरी ओर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए उन्हें धर्म रक्षा यानी धर्म की रक्षा करने वाला एवं अत्याचार को नष्ट करने वाले वीर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी इन्होंने अपनी कविता में औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन किया है तो साथ में शिवाजी को एक धर्म रक्षक के रूप में वहां पर बताया है, धर्म रक्षक के रूप में वहां पर दर्शाया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बात की कवि भूषण के बारे में। आपके जहां तक मुझे लगता है किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी साहित्य आता है तो उसके लिए इनफ रहेगा, चाहे वो हिंदी नेट का एग्जाम है, वो स्कूल लेक्चरर या फिर टीचर का एग्जाम है, तो उसके लिए हिंदी साहित्य आपका ये इनफ रहेगा। तो दोस्तों, ये आज हमने बात कर ली कवि भूषण के बारे में। कल मैं कवि भूषण से संबंधित दो या तीन प्रश्नों की चर्चा करूंगा, फिर आगे चलूंगा कवि देव कवि के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।